नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, जेट एयरवेज, तो क्या ये वाकई अब दोबारा उड़ान भरने के लिए तैयार है? तो अब लग रहा है कि ये शायद उड़ान भर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीएलटी ने कैलरॉक एंड जालान का जो रेजोल्यूशन प्लान था, जो जेट एयरवेज के रिवाइवल को लेकर, उसे अप्रूवल दे दिया है। जी हाँ, एनसीएलटी ने इसे अप्रूवल दे दिया है। अब कैलरॉक कैपिटल एंड मुरलीलाल जालान, ये दोनों ही मिलकर जो है, यानी कंसोर्टियम मिलकर एक कैश फ्लो इन्फ्यूज करेगा, और ये कैश फ्लो होगा 1375 करोड़ का। जी हाँ, इतना अमाउंट ये जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यानी कि इस प्लान में, इस प्लान के अंतर्गत। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि इनका जो प्लान है वो है कि 30 एयरक्राफ्ट से ये जो है स्टार्ट कर देंगे ऑपरेशन विद इन 6 मंथ फ्रॉम दी एनसीएलटी अप्रूवल। यानी कि जैसे ही एनसीएलटी का अप्रूवल मिलता है, उसके 6 मंथ के अंदर ही जो है ये लगभग 30 एयरक्राफ्ट के साथ जो है ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एनसीएलटी ने इन्हें डायरेक्ट किया है कि इनको जो भी अप्रूवल चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड अप्रूवल या लाइसेंस है, लाइक इनको जो लैंडिंग स्लॉट्स हैं और इस तरह के जो भी लाइसेंस या अप्रूवल लेने हैं जिस भी अथॉरिटी से, वो विद इन 90 डेज, यानी 90 डेज के अंदर वो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लें। उसके बाद ही अगर देखें तो एज पर प्लान जो वर्कमैन एंड एम्प्लॉय, यानी कि इनके वर्कमैन और एम्प्लॉयज ने जो क्लेम किया था लगभग 1200 करोड़ रुपए का, तो उन्हें मिलेगा 113 करोड़ रुपए, और ये 113 करोड़ रुपए 180 दिन के अंदर अंदर पे किए जाएंगे। उसके बाद जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनका जो क्लेम था वो था 7454 करोड़ रुपए का, और उन्हें 1010 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और ये 1010 करोड़ रुपए 5 साल में दिए जाएंगे, और मैं यानी कि 5 साल के अंदर अंदर ये जो है 1010 करोड़ इन्हें दिया जाएगा। इसके साथ ही जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जो है इक्विटी शेयर्स में जो है पार्टिसिपेशन, यानी कि इक्विटी शेयर्स भी इनको अलॉट किए जाएंगे। तो अगर हम देखें तो कैलरॉक जालान का जो कंसोर्टियम है, यानी कि जो उनका ग्रुप है, वो टोटल 89.79% की शेयर होल्डिंग रखेगा। इसके बाद जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो 9.50% की शेयर होल्डिंग रखेंगे। जी हाँ, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको 9.50 की जो है इक्विटी इक्विटी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो जो पूर्व प्रमोटर हैं इनके, नरेश गोयल एंड एथियार, ये दोनों ही 51% और 24% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। तो इनकी जो शेयर होल्डिंग है, यानी कि शेयर्स हैं, वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि इनका जो अमाउंट वो जीरो हो जाएगा और यहाँ से ये हटा दिए जाएंगे शेयर्स। और यहाँ पर अगर हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, तो जहाँ पब्लिक सेक्टर्स पब्लिक जो जनरल पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है अभी, जो 25% है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि डाइल्यूट होकर वो 0.21% की रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है डाइल्यूशन होने जा रहा है, क्योंकि 89.79, यानी कि लगभग 99% का जो है शेयर नए आ रहे हैं, और जिसके कारण जो है पब्लिक की, जो जनरल पब्लिक की होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इनकी डाइल्यूशन यानी डिक्रीज होकर जो 25% की होल्डिंग है वो डिक्रीज होकर 0.21% की हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है जनरल पब्लिक को। बट अगर यहाँ पर देखें तो अगर ये पूरा प्लान अच्छे से स्मूथली एग्जीक्यूट होता है, तो बहुत जल्द जो है यहाँ पर ये जो जेट एयरवेज है फ्लाई करने लगेगा, यानी कि ऑपरेशनल हो जाएगा। हालांकि डीजीसीए एंड एमओसी, यानी कि एमओसीए, इन्होंने यहाँ पर इस ऑर्डर पर जो है, इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे मांगा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो इस ऑर्डर को हायर कोर्ट में जो है चैलेंज करेंगे, यानी कि एनसीएलटी में चैलेंज करेंगे। बट यहाँ पर कोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर इस तरह के कोई लीगल हर्डल आगे नहीं आते हैं, तो बहुत जल्द जो है यहाँ पर जेट एयरवेज फिर से फ्लाई करने लगेगा। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग जो है जेट एयरवेज का जो रेजोल्यूशन प्लान आज अपडेट अप्रूव हुआ दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।